किधर घुस रहा है? सर ने एसी सर्विसिंग करवाने के लिए फोन किया था। किसने भेजा है? दास सर। ठीक आ जा। पॉलिटिशियंस का मन खुद भगवान भी नहीं पढ़ सकता। हाँ वो तो है। हालांकि ये बात औरतों के लिए भी कही जाती है। मैंने भी सुना ये वाला। इसी घर में सीढ़ी होगा क्या? लाता हूँ। हमारे देश में भगवान के बाद कोई पूजनीय है तो वो है पैसा। अरे आइए आइए, ये है मिराइला कुमार। आप इन्हें 1000 करोड़ पकड़ा दीजिए। मिनिस्टर से लेके सीएम तक उनका शेयर पहुंचाने का जिम्मा इनका है। तू बस इसी तरह बोलते रह बेटा। तब तो चांदी है। लीजिए लीजिए और थोड़ा खाइए, ये लीजिए। Hey, वहां क्या हो रहा है? Hey! खा के हाथी हो गए हो। कितनी दूर तक भागोगे? मैं थक गया हूँ यार, जाके कह दो ना मैं भाग गया। जा। नहीं माने तो? नहीं मानोगे तो दो बातें होंगी। पहली, मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। और दूसरी बात? दूसरी बात वो सुनने के लिए बचोगे नहीं। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारी असली धुलाई करना तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की है। हेयर स्टाइल कड़क है, कहां कटवाता है बाल? जिस थोबड़े को मिनरल वाटर से धोता हूं उस पर पंच मारा। कितना समझाया, अभी तक मैं बैचलर हूँ। शादी के लिए एक ढंग की लड़की नहीं ढूंढ पाया और तुम मेरे खूबसूरत चेहरे का ग्लैमर बिगाड़ रहे हो। शादी कौन करेगा मुझसे? चलो, ये हिंदी पिक्चर है भाई, यहाँ हीरो कभी नहीं मरता। अगर मरना ही होता तो फिल्म क्यों बनती? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या प्लीज नर्स को बुलाएंगे? मैं हूँ ना। ओह आई एम सॉरी, मिस यूनिवर्स नर्स की यूनिफॉर्म में आएगी तो ऐसा ही होगा ना। कंट्रोल में रहो, बीपी हाई है। अब तुम आ गई हो तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। तुम जानते हो यहाँ पर कैसे पहुँचे?
किसी भले आदमी ने रोड पर मुझे पड़ा हुआ देखा होगा तो यहाँ ले आया होगा। नहीं आदमी नहीं लाया, लड़की लेकर आई थी तुम्हारे लिए। पता है कितनी मुसीबत सही उसने। बिल भरने के लिए उसने अपनी चेन तक बेच दी। जब तक तुम्हें होश नहीं आया वो तुम्हारी सेवा करती रही। अच्छा वो गले की चेन तुम्हें चाहिए? हाँ, ताकि जाकर तुम लड़की को लौटा सको। सीधे घर जाओ और पैसे भेज देना। हाँ भेज दूंगा। शक्ल से गधा लगता हूँ क्या? पहचाना आपने आपको? अच्छी लड़की थी बेचारी, चेन दीजिए ना। चेन नहीं मिलेगी डॉक्टर, चेन नहीं लौटाई तो किडनी चुराने का नकली केस बना के तुम्हें बदनाम कर दूंगा। उसके लिए कई बार जेल जा चुका हूँ, कुछ नया सोचो। नर्स से जो अफेयर है वो बीवी को बता दूंगा। मेरी बीवी ऑलरेडी भाग चुकी है और मेरे कई अफेयर हैं। बेटा सुन, मुझसे चेन पाने का एक ही तरीका है। चेन स्नैचिंग कर ले। थैंक्स फॉर द आइडिया। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। चेन ले ली सर। सिक्योरिटी, कैच हिम। कैच कर लिया सर। हेलो। हेलो सर, मैं वेंकट बोल रहा हूँ। कहाँ थे तुम, कहाँ हो अभी? फार्म हाउस गया था सर, वहाँ मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई, लेकिन उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। कहानी बाद में सुनाना, एविडेंस कहाँ है? हिफाजत से रखा है सर। समझ गया, वेरी गुड राजा। इस वक्त कहाँ है? मेरी जेब में सर। फौरन अपनी जेब को लेकर राजा, तेरी नौकरी पक्की समझ। आज नहीं आ पाऊंगा, कल आ जाता हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? आज मंदिर जाना है क्या सर? किसी की चेन लौटाकर उसे थैंक्स बोलने जाना है सर। अच्छा एक बात बता, चेन तू लौटाएगा और उसके बाद थैंक्स भी तू ही बोलेगा? हेलो, जवाब दे, चुप क्यों है? लगता है लाइन कट गई सर। तूने तो नहीं काटी? अब आप इतना कह रहे हैं तो काट देता हूँ, बाय। कॉल मत काटना राजा। टैलेंट है तो इतराएगा ही, सीधे आदमी का इस देश में काम ही नहीं। हेलो सर, दिलेश्वर के अगेंस्ट एविडेंस मिल गया। वेरी गुड अवतार, कहाँ है एविडेंस? आज किसी और की जेब में है, कल वो मेरी जेब में होगा सर। और मेरी जेब में कब आएगा? जैसे ही मेरे पास पहुँचेगा आपके पास पहुँचा दूंगा। तो तुम्हारी डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट कन्फर्म्ड। सर थैंक यू सर, आई लव यू सर। हेलो हेलो बजरंग, तुम्हारे पास की एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे पास है। तीन दिन में ये काम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा। कितना मांग रहे हैं? 100। 100? तूने तो कहा था वो मर गया। गलती हो गई भाई। जिंदा मुर्दे का फर्क नहीं पता? आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। ओए पंडित, अपने बेटे के साथ जा। ये है कौन? अब कल आइए। मुझे डॉक्टर आलिया से मिलना है। डॉक्टर आलिया की ड्यूटी आज खत्म हो गए हैं। तो इस वक्त उन्हें कहाँ मिल सकता हूँ? शाम को एक चैरिटेबल ओल्ड एज होम जाती है। ड्यूटी के बाद ब्यूटी पार्लर जाने के बजाय ये ब्यूटी एक ओल्ड एज होम जाती है। ये सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ये तो क्यूटी है। क्या क्यूटी? गुड प्लस ब्यूटी इज इक्वल टू क्यूटी। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, मेरे बेटे से शादी कर लो। जिस बेटे ने आपको छोड़ दिया उससे शादी करने को कह रहे हैं? मुझे तो आप पसंद है, आप शादी करना चाहते हैं तो बोलिए। ये क्या है, जब देखो किसी ना किसी की हेल्प करती रहती है, अपने साथ साथ हमें भी फ्री में चैरिटी करवाती है। मानव सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऊपर वाला सबके अकाउंट रखता है। ऊपर वाले के अकाउंट ऊपर वाले को देखने दे। तेरे नेचर की वजह से तेरे आशिकों की लाइन लंबी होती जा रही है, हर कोई तुझसे आई लव यू बोल के फ्लर्ट करना चाहता है। एक बार मना करने से चले भी जाते हैं। हाँ तुम देख लेना, अगर एक दिन किसी सरफिरे के हत्थे चढ़ गई ना, तब देखना क्या होगा। हाय लेडीज, Who is this? क्या डॉक्टर आलिया आप ही हैं? ये है, मैं नहीं हूँ। आप तो हो भी नहीं सकती, नर्स ने कहा था खूबसूरत लड़की थी। आप लड़की नहीं बहन जी हैं। चुप करो। मैं हूँ आलिया, और तुम? अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना? रोड, हॉस्पिटल, चेन। तुम हो, काफी जल्दी ठीक हो गए। आपने मेरा इतना ख्याल रखा कि फटाक से ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया, 11 नंबर की बस पकड़ो और निकलो। मेरा भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा है। ऐसा क्यों? ऐसी सुंदर मूरत उनके सिवा कौन बना सकता है? मम्मी, ये तो नहीं जानता तुम कब पैदा हुई, लेकिन कहाँ पैदा हुई जानता हूँ। कहाँ हुई? स्वर्ग लोक में। इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर लैंड हुई, फ्लाइट में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? एक नंबर के फेंकू हो, ये चेन दो और निकलो यहाँ से। इतनी जल्दी कैसे दे दूँ,
पहले कहीं आराम से बैठते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, थोड़े गप्पे लड़ाते हैं, उसके बाद ये चेन आपकी। 6 फिल्टर कॉफी। ओके मैम। मैं कॉफी नहीं पीता। दोस्त एक डोसा लाना। अच्छा ये बताओ कि तुम सड़क पर घायल कैसे हो गए थे? शेर के लिए शिकार करना और रिपोर्टर के लिए रिस्क लेना अनअवॉइडेबल है। वैसे तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है? क्या लगा है? ब्यूटी स्पॉट। उन्हें देखकर पापा की याद आ गई। अब और रहा नहीं जाता, उनसे बात करने का मन कर रहा है। प्लीज फोन देना। थैंक यू। हेलो। हेलो पापा। अरे ये तो तू है, कहाँ पर है नालायक? 10 दिन पहले निकला था, कहाँ मर गया था? मुझे नौकरी मिल गई पापा। नौकरी मिल गई? पर मुझे विश्वास नहीं होता, एक लड़की के पीछे पीछे हैदराबाद आ गया हूँ। ओहो, नौकरी के साथ छोकरी भी ढूंढ ली। पापा हाँ सुन रहा हूँ। एक बाप बड़े प्यार से अपने बेटे को खाना खिला रहा था, मुझे आपकी याद आ गई। ऐसी बात है क्या? किसी काम के नहीं आप। मेरी पीठ जलाने की हिम्मत कैसे हुई? फोन काटो। तुमने मेरी जिंदगी बचाकर एहसान किया, कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बिंदास याद करो। वो बात यह है कि जो भी मेरी हेल्प करता है ना, मैं उसकी हमेशा हेल्प करता हूँ, बचपन से मेरी आदत है। मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं वॉशरूम होके आता हूँ। आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। कैसे कह सकती हो? बिना वीजा के बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। अब कोई झूठी कहानी बता के यहाँ रुकने की कोशिश करेगा, देख लेना तुम। तुमने ऐसा क्यों कहा कि प्रॉब्लम नहीं है? यू आर इन डीप ट्रबल। कहना क्या चाहते हो? कोई आदमी इसे फॉलो कर रहा है। जब ओल्ड एज होम में हम बात कर रहे थे तो एक आदमी दूर से तुम्हें देख रहा था। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जब मैं वॉशरूम गया था ना, तो वो मुझे यहाँ मिला। कुछ तो लोचा जरूर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा ही पीछा कर रहा है? तुमने ठीक कहा, मुझे भी वही डाउट हुआ था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा तो उसकी पॉकेट से एक फोटो स्लो मोशन में गिरी। तुम्हें पता है किसकी फोटो थी? इसकी। हाँ। फिर तुमने उसके साथ क्या किया? जब फोटो पे नजर पड़ी तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं उस फोटो को देखता ही रह गया और उसमें वो आदमी भाग गया। उस फोटो का क्या किया? जैसे ही वो भागा ना, जोर की हवा से फोटो भी उड़ गई। फोटो खिड़की से बाहर चली गई। लेकिन तुम चिंता मत करना, जैसे गरीब की नजर रोटी पर, बेरोजगार की नजर नौकरी पर, सीबीआई की नजर भ्रष्टाचारी पर, मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहेगी। हाँ। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, और अगर कोई है भी तो उससे बचाने के लिए भगवान है ना। उस भगवान ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था, पर लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। बाय। अरे लेकिन मैं तो, लगता है मेरा जाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो जाते जाते जरा चेन तो देते जाओ। ओ चेन, व्हाट अ ब्रेन। ये ले लो। बाय।